भिवंडी शहर में ईगल कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से लापरवाही भरा काम ये ईगल कंपनी कर रही है। जगह जगह जहां भी इनके सड़कें खोदते हैं, खड्डा खनते हैं, उसके बाद में उसे बनाते नहीं, जिसके कारण आए दिन गाड़ियों के फंसने की घटना सामने आती रहती है। इस तरीके से जो इनका ही जेसीबी एक बार फंसा हुआ था, वो भी दृश्य आपने देखा। अक्कल की बात, एक ताजी घटना है जो कि पायल टाकीज के सामने, वहां पर भी इनका खुदाई का काम चालू है। वहां पर एक पिकअप गाड़ी फंस गई, जिसका आप ये दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से पूरी गाड़ी को खाली करके फिर से वहां से निकालना पड़ा। ईगल कंपनी के इस तरीके से लापरवाही भरी इस काम में आखिरकार माहौल क्या बन रहा है भिवंडी शहर का, आप देखिए। नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं S7 न्यूज। समस्या आपकी समाधान करने का प्रयत्न S7 न्यूज सदैव ही करता रहा है। जिस तरीके से ईगल कंपनी ने पूरे शहर को खंडहर बनाकर रख दिया है, खास करके जहां भी अगर आप जाएंगे वहां की सड़कों की हालात देखेंगे तो कहां से आप पैदल चले ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी हालत में हमारे साथ प्रशांत लाल जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे सर जी, जिस तरीके से इस समय हालत भिवंडी शहर की बनी हुई है, हर सड़कों पर खड्डे ही खड्डे हैं, खड्डों के साथ में जो सड़कें अच्छे हैं वो ईगल कंपनी ने खराब करके रख दिया। आज भिवंडी की जो आज हालत है, और लोगों ने आने जो आके गए चुनाव में जो रोष दिखाया, जो रोष दिखाने का कारण है सिर्फ रोड के कारण, विधानसभा में, लोकसभा में, आने वाले चुनाव में ये लोगों का रोष दिखाई दिया। कैसे बोलो, जैसे कि जो भी काम हुआ तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन रोड की खस्ता हालत के ऊपर टिप्पणी होकर लोगों ने अपना वोट देकर रोष जताया। पहली बात तो ये शुरुआत हुई। उसके बाद में मैं बोलूंगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है ईगल इंफ्रा कंपनी, जो इन्होंने 450 करोड़ रुपए का भिवंडी महानगर पालिका के, मेरे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के टाइम इनको हमने एक वर्क ऑर्डर दिए थे और उनको उस टाइम से लेकर हमने काम चालू करने के लिए बोले थे, लेकिन इनका एक तो डिले, उसके बाद में उनको टाइम पे टाइम बढ़ाना, हमारे महानगर पालिका की कहां कहां कमियां है कि उनको टाइम बढ़ाते दिए, और आज तक वो काम वो पूरा नहीं कर पा रहे। और करने को जब स्टार्ट किया तो पूरे भिवंडी का कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास, उन्होंने डायरेक्ट रोड का खुदाई चालू कर दिया। उनको ये नहीं पता कि यहाँ एक रोड है, ये मेरे एरिया तक जो रोड खोदा है तो मेरे को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे यहाँ आदमी सीरियस होने के बाद मरने के दौर पे आएगा तो वो आदमी मरेगा इधर ही, क्या एम्बुलेंस आएगी कि जाएगी नहीं, ऐसे कुछ मुद्दे में बोलूंगा। 8 से 10 हादसे तो अभी तक मेरे को लगता हो चुके हैं, इनका जेसीबी डूब चुका है, किधर रोड के ऊपर कोई गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है, कोई आदमी लोग को लगा है, और इनके खड्डे के कारण, रोड खुदाई के कारण लोग खड्डे में गिर चुके हैं, पता नहीं कि आगे रोड खोदा गया है, इतने स्पीड से लोग जाते, टपक से इनका रोड चालू हो जाता है खोदना। मतलब कहां ना कहां इनका कोई प्लानिंग नहीं है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो रोड की हालत खराब की है इसका कारण सिर्फ ईगल कंपनी है। हम तो महानगर पालिका में सभागृह नेता के माध्यम से पहला लेटर में लगाने वाला हूं इस महासभा में, और इनका ठेका रद्द करने की मैं मांग करूंगा, क्योंकि इनका जो प्लानिंग है एकदम बकवास है। आज मेरे इधर ही काम चालू कर रहे हैं तो कल उनको मैंने समझाया, मैंने बहुत गर्म हुआ उनके ऊपर कि मेरे को यहां से आप रोड चालू कर रहे तो मेरे को जाने वाला रास्ता किधर है। मैं नगर सेवक को लोक प्रतिनिधि नहीं, मेरे इधर के लोग भी है इधर, और यहाँ कुछ घटना ऐसी घट सकती है, कभी मैयत कंधे पे लेके जाने के लिए आप जगह नहीं छोड़ रहे, मतलब आपका क्या प्लानिंग है, थर्ड क्लास प्लानिंग है आपका। मैं ये चाहूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई पुलिस स्टेशन के माध्यम से हम लोग करेंगे, महानगर पालिका में हम लोग महासभा में आवाज उठाएंगे, और नहीं हो सका तो हाई कोर्ट में इनके ऊपर दावा दाखिल करेंगे। सर, यहाँ की जो हालत अभी हमने देखी, अभी हम यहाँ से आ गए थे, यहाँ पर उन्होंने कुछ भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखी है कि जिस तरीके से खड्डा खोदा जा रहा है, इतनी गहराई तक आप जाते हैं, बाइक आते जाते हैं, ऐसे में कुछ ना बैरिकेड लगाया जाता है, ना कुछ भी सुरक्षा का अगर बात की जाए तो कुछ भी सुरक्षा नहीं है इनके पास। अगर कोई गिरता है तो जवाबदार कौन होगा, क्योंकि देखिए कल पायल टॉकीज के सामने जहां पे इन्होंने खुदाई की वहां पर एक पिकअप फंसी, पूरा कम से कम 4 घंटे तक वहां पर ट्रैफिक जाम रहा। इसके पहले इनकी जेसीबी फंसी हुई थी, इसके पहले अगर हम देखेंगे तो कामत घर में कितने हादसे हुए, इन सब विषयों को लेकर क्या कहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने जो जो हादसे इनके ऊपर उधर केस दाखिल होना चाहिए था, पहली गलती हमारे लोगों की रहेगी,
जो आदमी फंसे है जहाँ हादसा हुआ है उन्होंने एक तो कायदे से उधर एफ आई आर दाखिल करना चाहिए था, वो हमारे पास आता तो हम उस तुरंत उसके ऊपर हम एक्शन लेते, ठीक है। लेकिन आपके माध्यम से हमको ये जो मालूमात मिली है, हम सही में कड़ी निंदा करके इनका ठेका रद्द करने का हम लोग प्रयास भी करेंगे। और दूसरी बात, महानगर पालिका इनकी ससुर वाड़ी नहीं है, मतलब ये ससुराल नहीं है कि ये खड्डा करे, ये रोड खोदे और हम हमारे पैसे से इनको रोड बना कर देवे। हम इसकी चौकसी चाहेंगे कि ये रोड खोदने के बाद हमने हमारे लोगों ने उसको रोड बना के दिया है कि नहीं, वो भी जो रोड बनाया होगा हमारे पब्लिक के लिए, हमारे लोगों के लिए हमने खर्चा किया होगा, लेकिन पूरा का पूरा इसका हर्जाना इस कंपनी को ही देना पड़ेगा, ये भी हम लोग वापिस मांग करने वाले हैं। सर, सबसे बड़ा इस समय अगर शहर में समस्या इनके माध्यम से उत्पन्न हुई है तो जैसे आप नावीपाड़ा समझिए, नावीपाड़ा में यदि अगर आप एंट्री मारते हैं तो एक और सड़कों को खोद दिया जाता है, एक रास्ता पर्यायी होता है, ये रास्ते का काम पूरा नहीं होता कि ये भी खोद कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इनका प्लानिंग फेल है, बोगस है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि पहले ही स्टार्ट में आप मेरे वार्ड में, अच्छा नावीपाड़ा की बात आज का आप देख रहे हैं, आप आए वहां से क्या दिक्कतें से आपको अंदर आना पड़ा आपको पता है, लेकिन जिस टाइम पे अशोक नगर में इन्होंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने बोला बहुत अच्छा काम हो रहा है, इनको मैं जाऊंगा इनके साथ में रह के काम स्टार्ट करूंगा। लेकिन इनका जब काम स्टार्ट करने के बाद इनका पहला ही दिन आपको बता दे रहा हूं, गोपाल सिंह ठाकुर जी पत्रकार, उनके घर बिल्डिंग के यहां इन्होंने जेसीबी ऐसा लगा दिया कि वो एक पेड़ एक पिकअप पे गिर गया और वहां एक पहला हादसा हो गया। मतलब मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, ये मेरे आंखों देखी बात है, बाद में पब्लिक वहां की चिड़ के उनको मारने पर तुलने को आई तो मैं बोला एक अच्छा काम हो रहा है, उसकी गलती है, मैं बोला एक गलती है उसको सुधार के अपना काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनकी फट पड़ी और उन्होंने वहां से काम बंद किया। मतलब ये मेरे पास दावा है, इविडेंस है, मैं ऐसे फालतू बात नहीं करूंगा। गोपाल सिंह जी पत्रकार है, उनसे बात कर सकते हैं, यहाँ के रहवासी नगर अशोक नगर के रहवासी जगदीश लाड है, उनसे पूछिए कि भाई ये उधर मेरे लोग रहते हैं, मेरी दुकान है उधर, शॉप है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ऐसे गलतियां हमारे सामने हो चुकी है, इसलिए उनका ठेका रद्द होना ही चाहिए, आने वाले समय में हम हाउस में आवाज उठाएंगे। लोगों से क्या कहेंगे, जिस तरीके से इन्होंने अपनी मनमानी की, लोगों के सब्र का बांध ना टूटे, ये आप सबको संभालना होगा, तो किस शहर आपका है। देखिए स्टार्ट तो अशोक नगर से हुई थी, लेकिन हमने बोला लोगों को बांध टूटा है तो ये थोड़ा सा टूटा है, लेकिन आज की तारीख में इनका जो काम है कि 100 मीटर खोदो पाइप डालो रोड बनाओ, 100 मीटर खोदो पाइप डालो रोड बनाओ, ये इनका प्लान होना चाहिए था, हमारा कहना ही उनका वैसा था, क्योंकि मेरा प्लान वैसा था, मैंने खुद ने मेरे पर्सनल लेवल पे मैंने यही बात की तो वो बोले हाँ साहब हम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले है, लेकिन ये बात उन्होंने सिर्फ शब्दों में की थी और यहाँ पर कोई ही ग्रास लेवल पे उन्होंने ऐसा काम किया नहीं। बहुत ही खोटे, बहुत ही झूठे और बहुत ही मक्कार लोग है, सिर्फ भिवंडी को लूटने का काम, और इनका काम का क्वालिटी आपको मैं वीडियो फोटो के द्वारे में दूंगा कि उनका जो चेम्बर है उनका काम कैसा है। उनको जब चेम्बर बनाने का उन्होंने तुरंत उधर बीट जो रची है गोल राउंड पे उसके बाद में उसको प्लास्टर किया है, उसको ऐसा चीर तड़ा गया है, मतलब फट चुका है, मतलब ये बाद में रोड बनने के बाद अंदर फटे रहने दो, ऐसी ही क्वालिटी। और मेरे पास फोटो एविडेंस है, कल खुदा ना खास्ता देवाच्या कृपेने यांच्यावरती जर काय प्रॉब्लेम आला आमच्या लोकांना का ड्रेनेज लाईन लीक झाली तर यांना मी सोडणार नाही, यांना मी कोर्टामध्ये नेणार, म्हणजे नेणार। हा प्रशांत लाड असंच बोलत नाही, कायद्यावरती हात ठेवून सांगतो, हाऊसमध्ये यांना नागडा करीन आणि नंतर हायकोर्टात नागडा करीन। तो ये प्रशांत लाड जी जो की सभागृह नेता है, इनका आक्रोश आपने सुना, खास करके ईगल कंपनी ने जिस तरीके से शहर को बद से बदतर बनाकर रख दिया है, अब शहरियों का भी बांध टूटता नजर आ रहा है। बहरहाल जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे, देखते रहिए।